ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स है। या सो बिफोर वी स्टार्ट स्टडीइंग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, मैं चाहूंगा कि आपके साथ आइंस्टाइन की एक इसको उसका एक कोट शेयर कर दूं। आइंस्टाइन कहता था कि एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नो सिंपलर, यानी चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल जो उसका आसान तरीन तरीका है उसको समझने का, या आसान तरीन जो उसकी स्पेसिफिकेशन है किसी चीज़ की उस तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आसानी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा आसानी की तरफ जाएंगे देन यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। कोई ना कोई चीज़ आपने फिर अप्रोक्सीमेट कर ली होगी, कोई ना कोई चीज़ आपने मिस कर दी होगी। सो एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नो सिंपलर। और ये मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बारी ये बात क्यों कर रहा हूँ, बाकी लेक्चर्स पे तो नहीं मैंने कहा था, वो इसलिए बिकॉज अंडरस्टैंडिंग रिकरेंट नेट्स रिक्वायर्स सम एफर्ट एंड इट रिक्वायर्स अ करेक्ट पर्सपेक्टिव। आप इसको ये एक्सपेक्टेशन मत लगाएं इसके साथ कि ये लीनियर रिग्रेशन की तरह आसान होगी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आप तैयार रहिए, ठीक है। फर्स्ट लेट्स सी के रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का फायदा क्या है, उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत यहाँ पे है कि अभी तक इस कोर्स में जिस चीज पे हम काम कर रहे थे, हमारी जो इनपुट सिग्नल था वो स्टैटिक इनपुट सिग्नल था, यानी एक इमेज आ गई है। अब जो इमेज अगर एक इनपुट आई है तो वो इमेज चेंज नहीं करती, इट्स स्टैटिक, इट रिमेन्स द सेम ओवर टाइम, वो इमेज चेंज नहीं होगी, ठीक है। और उस इमेज के अंदर जो चीज़ें आपने ऑर्डर की होती हैं, मसलन इमेज के पिक्सल्स हैं, आपके पास लेट्स से एक इमेज आ गई है और आपके पास उस इमेज के पिक्सल्स हैं, लेट्स से ये पहला पिक्सल है, जिसको आप दूसरा पिक्सल कहते हैं वो इसके साथ ही है, एडजेसेंट स्पेस में उसके साथ है, जिसको आप तीसरा पिक्सल कहते हैं वो दूसरे के साथ है, चौथा इसके साथ है, अगला इसके साथ है, अगला इसके साथ है, यानी एडजेसेंसी जिसको कह रहे हैं कि कौन किसके साथ है, ये स्पेस के हिसाब से डिफाइंड है, ये स्पेस में एक दूसरे के साथ है, यानी इनका जो ऑर्डर है पिक्सल्स का इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनफैक्ट टाइम है ही नहीं, बस स्पेस है, स्पेस में एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, पिक्सल्स जो है इन्हीं दो एक्सिस पे पिक्सल्स की लोकेशन होती है, तो वी वर्किंग विद स्पेस एंड आर इनपुट्स डू नॉट चेंज ओवर टाइम, ऐसे सिग्नल्स को कहते हैं स्टैटिक सिग्नल्स। और इन पे जब आप कोई इमेज दिखाते हैं तो आप मुझसे पूछते हैं या नेटवर्क से पूछते हैं कि जी अच्छा मुझे बताएं लेबल क्या था इस इमेज में, आपको क्या चीज़ नज़र आ रही थी, ठीक है। तो जो आउटपुट है वो इस करंट इनपुट पे डिपेंड कर रही थी कि ये इमेज आई थी और इस पे ये लेबल था, द लेबल ओनली डिपेंड्स ऑन दिस करंट इनपुट, इट डज नॉट डिपेंड कि पहले कौन सी इमेज दिखाई थी, इट डज नॉट डिपेंड कि बाद में कौन सी इमेज के बारे में पूछूंगा, द आउटपुट और द लेबल जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि इस वक्त इनपुट में क्या चीज़ पड़ी, ठीक है। इसे कहते हैं स्टैटिक सिग्नल्स। अभी तक जितना हमने कोर्स पढ़ा है ये स्टैटिक सिग्नल्स पे था। इन कॉन्ट्रास्ट यू कैन हैव डायनेमिक सिग्नल्स। डायनेमिक सिग्नल ऐसे होते हैं मसलन टेक्स्ट, यानी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें पहला वर्ड आता है, फिर दूसरा वर्ड आता है, फिर तीसरा वर्ड आता है, ये फिर का मतलब है कि मेरे जो वर्ड्स हैं दे आर चेंजिंग ओवर टाइम। या ऑडियो का सिग्नल है कि आपने पहले कोई एक आवाज़ आई, फिर अगली आवाज़ आई, फिर अगली आवाज़, फिर अगली आवाज़, ये जहाँ भी
फिर का लफ्ज आ रहा है उर्दू में, दिस इम्प्लाइज कि कोई सीक्वेंस है, टाइम में कोई सीक्वेंस है चीजों का, और चीजें टाइम में ऑर्डर्ड है, स्पेस में तो होंगी पर टाइम में भी ऑर्डर्ड है, कि पहले ये वाला वर्ड फिर दूसरे वाला वर्ड, या पहले ये वाली आवाज फिर दूसरे वाली आवाज। वीडियो में भी ऐसे ही है, पहले आप एक फ्रेम देखते हैं, फिर अगला फ्रेम, फिर अगला फ्रेम, फिर अगला फ्रेम, और जो एक फ्रेम है ये एक इमेज है, यानी वो जिसको आप स्टैटिक सिग्नल कह रहे थे, जिसको आप वीडियो एक डायनेमिक सिग्नल होता है मेड अप ऑफ स्टैटिक फ्रेम्स, ठीक है। या किसी स्टॉक की प्राइस है, स्टॉक की प्राइस इस सुबह 8 बजे इतनी है, 9 बजे इतनी है, 10 बजे इतनी हो गई है, तो ये चेंज कर रही है ओवर टाइम। सो डायनामिक सिग्नल्स चेंज ओवर टाइम, दे आर ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि उन उनमें जो ऑर्डर है वो टाइम के हिसाब से होता है, कि पहले ये था, बाद में ये था, और उसके बाद ये था। और डायनामिक सिग्नल्स में जो आउटपुट आती है वो करंट इनपुट पे भी डिपेंड कर रही होती है, लेकिन पिछली जो इनपुट्स देख चुके होते हैं आप, ठीक है, उन पे भी डिपेंड कर रही होती है, और इवन जो फ्यूचर में चीजें आनी है उन पे भी डिपेंड कर सकती है, ठीक है। तो डायनामिक सिग्नल्स में आउटपुट डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन करंट इनपुट्स, बट इट डिपेंड्स ऑन ऑल इनपुट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट के अंदर अगर कोई सेंटेंस आता है टेक्स्ट में, और आपने उसको क्लासिफाई करना है कि ये सेंटेंस जो था ये हेट स्पीच तो नहीं थी, ठीक है। अगर ये हेट स्पीच थी तो इस तरह के सेंटेंस को लेट्स से इंटरनेट पे आपने ऑटोमेटिकली बैन कर देना है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये पूरा जुमला, पूरा इसका किसी एक वर्ड को देखने के बाद नहीं आप कह सकते कि ये हेट स्पीच थी, पूरा जुमला देखना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये हेट स्पीच का जुमला था। और इन डायनेमिक सिग्नल्स को आप टेम्पोरल सिग्नल्स भी कहते हैं, सीक्वेंशियल डेटा भी कहते हैं, या टाइम सीरीज डेटा भी कहते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट। ये टेम्पोरली ऑर्डर्ड होते हैं, टाइम में इनका टाइम में ऑर्डर्ड होते हैं ये, और ये सीक्वेंशियल होते हैं, ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ये टाइम सीरीज डेटा भी इनको कहते हैं, कि ये टाइम में चेंज हो रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये हमने वीडियो की बात की थी। वीडियो में यही है, आपके पास फ्रेम 1 एंड यू हैव फ्रेम 2 एंड यू हैव फ्रेम 3 एंड सो ऑन एंड यू हैव फ्रेम एन, ठीक है। एन नहीं बल्कि आई शुड यूज द, यू कैन हैव फ्रेम T, ठीक है, कैपिटल T, यानी आपके पास टाइम 1 पे जो सिग्नल था वो ये पहला फ्रेम है F1, टाइम 2 पे सिग्नल ये वाला फ्रेम था, टाइम 3 पे सिग्नल ये वाला फ्रेम था। और अगर मैं आपको सिर्फ F2 फ्रेम दे दूं ये वाला, ठीक है, और आपसे पूछूं कि इस वक्त ये बंदा बाजू आगे लेके जा रहा है या बाजू पीछे लेके जा रहा है, तो मुमकिन है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो आपको, कि हो सकता है बाजू पीछे जा रही हो, ठीक है, लगता है इसमें ऐसी है कि जैसे बाजू आगे जा रही है, लेकिन हो सकता है बाजू पीछे जा रही हो, अगर मैं सिर्फ ये फ्रेम देता। लेकिन अगर मैं आपको F1 भी दे दूं और फ्रेम 3 भी दे दूं, और ये जब ये तीनों फ्रेम आप देखते हैं, तो अब आप क्लियरली कह सकते हैं कि फ्रेम 2 में इस बंदे की बाजू आगे जा रही थी, ही वॉज थ्रोइंग समथिंग, ठीक है। तो हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं चीजों को, और ये टेम्पोरली रिलेटेड होते हैं। तो दैट्स वन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ सिक्वेंशियल डेटा। अनदर एग्जाम्पल इज ऑडियो। ऑडियो के सिग्नल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, कि ऑडियो के सिग्नल्स ये आपने देखे होंगे कभी कभी, एक्चुअली ओके, मैंने तो देखे हुए हैं, मे बी आप लोगों ने भी कभी देखे हो, कि ऑडियो के सिग्नल कई दफा इस तरह रिप्रेजेंट हुआ होता है कि आपके पास टाइम इधर को चल रहा होता है एक्स एक्सिस पे, दिस इज टाइम, और वाई एक्सिस पे आपके पास साउंड का, फॉर एग्जाम्पल एम्पलीट्यूड
कितनी कितनी ऊंची आवाज थी इस वक्त, कितनी नीची थी, कितना ऊंचा था, कितना नीचा था, या किसी फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कह लें। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 1D में, 1D एक सिग्नल है जो टाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है, और वैल्यू क्या है जो चेंज हो रही है, वो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड अब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पर जो ज्यादा रेलेवेंट तरीका है साउंड को या स्पीच को या ऑडियो सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने का, वो ये है कि अगेन एक्स एक्सिस पे टाइम ही चल रहा है, राइट, और सो अब टाइम चल रहा है, और फिर आप साउंड में कई किस्म की फ्रीक्वेंसीज हैं। सो फॉर एग्जांपल 1000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी, 2000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, 3000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, सो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, 0 से लेकर 8000 साइकिल्स पर सेकेंड फ्रीक्वेंसीज हैं, और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, लेट्स से ये वाला टाइम इंस्टेंट, 1 सेकेंड, एट 1 सेकेंड आप ये रिकॉर्ड करते हैं कि इस वक्त 0 फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड था उसका मैग्नीट्यूड क्या था, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड क्या था, और 10 फ्रीक्वेंसी वाला जो 10 फ्रीक्वेंसी वाली साउंड का एम्पलीट्यूड क्या था। तो रियली आपके पास ये जो एक लाइन, मुझसे लाइन भी ड्रॉ नहीं सही होगी, लेट मी ट्राई अगेन। ये जो एक लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही होगी, ये ब्लैक लाइन, दिस विल बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज, के ये जो 8000 तक फ्रीक्वेंसीज थी उन सारी फ्रीक्वेंसीज के मैग्नीट्यूड्स क्या थे। तो अगर मैं डिस्क्रिटाइज कर लूं कि लेट्स से 8000 ही नंबर्स थे, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अगर मैं डिस्क्रिटाइज इस तरह करता हूं कि ये 8000 नंबर्स थे, तो इसका मतलब है कि मेरी जो भी स्पीच थी एट टाइम t equals 1, मैंने अपने, मेरे पास एक 8000 नंबर्स का वेक्टर था, ठीक है, लेट मी कॉल इट वेक्टर एक्स एट टाइम टी, ठीक है, तो दिस वेक्टर एक्स एट टाइम टी कंसिस्ट ऑफ 8000 नंबर्स, और वो 8000 नंबर्स से 8000 फ्रीक्वेंसीज के मैग्नीट्यूड्स थे। तो मेरी जो, जिसको आप मेरा सीक्वेंशियल सिग्नल आप कहेंगे, वो होंगे ये बहुत सारे एक्स वेक्टर्स, एक्स एट टाइम 1.5 फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे एक्स होगा एट टाइम 3, ठीक है, तो और मुमकिन है कि ये पूरा जो आपको इमेज नजर आ रही है, ये सिर्फ किसी ने एक वर्ड बोला है, ठीक है, और वो वर्ड बोला है या कोई सेंटेंस बोला है, और वो सेंटेंस की ड्यूरेशन कोई 3 साढ़े 3 सेकंड थी, तो 3.5 सेकंड तक जो वो आवाजें आती रही हैं, उन आवाजों के जो फीचर्स हैं वो ये इमेज दिखा रही है, और वो फीचर्स होंगे, वो एक सीक्वेंस ऑफ फीचर्स है। पहला फीचर है एट टाइम 0, देन एट टाइम 0.1, टाइम 0.2, एंड सो ऑन। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, पहले वाली एग्जांपल दी मैंने, वो सीक्वेंशियल डेटा है वीडियो का, और दूसरी एग्जांपल में सीक्वेंशियल डेटा ही है आपके पास ऑडियो का, ठीक है, यहां तक कोई सवाल? एनीवन? तो
मीन एक सेकंड के लिए वो एक सिंगल डेटा पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं टाइम वाली चीज को, मतलब उससे भी तो ये चीज किया जा सकता है या नहीं, क्या ये फॉलबैक है जो नेटवर्क आईएस नहीं है का? सीएनएन का ड्रॉबैक तो है ये कि यानी जिस तरह से हमने सीएनएन पढ़ा है वो इस तरह कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहा चीजों की। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो एग्जांपल देता कि मैं फ्रेम टू में आपसे पूछता कि ये बंदा अब बाजू आगे को इज ही थ्रोइंग समथिंग और इज ही कैचिंग समथिंग, ये बाजू आगे जा रही है या बाजू पीछे आएगी, ये कॉन्टेक्स्ट को देखे बगैर सीक्वेंस में चीजों को देखे बगैर ये बताना शायद पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे क्वेश्चन का ठीक है तो सीक्वेंस में देखना जरूरी है, तो एक सेकंड में जितने फ्रेम्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल डेटा इनपुट में हम इनपुट नहीं कर सकते, रादर देन कि इनपुट टाइम वाइज नेटवर्क के अंदर प्लेस हो रहा है। ठीक है, जैसे एक इमेज को अगर हम एक इनपुट के तौर पर एक वेक्टर में बना सकते हो तो वीडियो क्लिप को पूरे पूरे वीडियो क्लिप को ऐसा वेक्टर में इनपुट कर देते हैं। बिल्कुल आई एग्री विद यू कि आप ऐसा करें, आप अपने सारे फ्रेम्स को जो है एक ही लंबा सा फीचर वेक्टर बना लें, ठीक है ये कर लें, लेकिन क्या आप इसकी जरूरत को समझते हैं कि कुछ चीजें इनहेरेंटली सीक्वेंस में होती हैं और उनको मॉडल भी अगर सीक्वेंस में कर लें तो आसान हो जाएगी जिंदगी। जी वो पॉइंट तो ऑब्वियसली है, तो उसी पे रहते हैं कि ऑफ कोर्स सीएनएन से और सीएनएन को कोई और वेरिएशंस ला लू के तो कुछ ना कुछ हो तो जाएगा, कोई ना कोई आंसर्स तो निकाल लेंगे, लेकिन वो चीजें जो इनहेरेंटली सीक्वेंशियल हैं इट वुड बी नाइस कि अगर हम उनको डील भी सीक्वेंशियली कर सकें। बाय द वे मैंने ये वाला पॉइंट वैसे कवर करना था बट नॉट इन दिस लेक्चर, पर मैं हल्का सा इसको टच कर देता हूँ कि वो वाले काम जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स चंद पैरामीटर्स के साथ कर सकते हैं, अगर वो वाले काम हम यानी सीक्वेंशियल मॉडलिंग वाले काम अगर हम ट्रेडिशनल नेटवर्क को दें या सीएनएन को दें तो वो मैनी 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 टाइम्स मोर पैरामीटर्स या इनफैक्ट मैनी मैनी टाइम्स मोर ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे उन कामों को करने के लिए। इसकी इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं दूंगा कि रिकरेंट नेट्स कैन मॉडल प्रॉब्लम्स दैट सीएनएन दैट नॉर्मल नेटवर्क्स कैन नॉट मॉडल। ठीक है, ओके आगे चलते हैं जी। और कॉन्टेक्स्ट ही बस एग्जांपल है। राशिद ये पैराग्राफ जरा क्विकली पढ़ें आप ऊंची। नहीं फिल इन द ब्लैंक्स करके पढ़ें। नहीं डैश नहीं कहना फिल इन द ब्लैंक। The Taj empty space in the plans was commissioned by Shah Jahan in 1631. Okay, let me specify. जो जहाँ पे blank है मैं वहाँ चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पे कोई word insert करें जो आपके ख्याल में आना चाहिए था। ठीक है। The Taj Mahal was commissioned by Shah Jahan in 1631 to be built in the memory of his wife Mumtaz Mahal, who died on 17th June that year, giving birth to their 14th child. Construction started in 1632 and mausoleum was completed in 1643. Perfect. Thank you very much. ये यानी दिस वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि हम कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। अगर पिछला वर्ड अगर सेकेंड वर्ड ताज ना होता तो आपने आगे महल
मुश्किल यह के लगाया होता। और अगर लेट्स से द ताज ही होता लेकिन आगे वॉज कमीशन बाय शाहजहां ना लिखा होता, क्योंकि ताज होटल भी है राइट, तो अगर किसी और का नाम लिखा होता तो आप शायद ताज होटल कह देते। फिर टू बी बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, अब ये हिज कैसे पता लगा हमें, क्योंकि पीछे शाहजहां किसी ने शाहजहां लिखा हुआ था ठीक है, हु डाइड ऑन जून 17 दैट ईयर। दैट किसको रिफर कर रहा है, ये दैट तो रिफर कर रहा है 1631 को, बिकॉज दैट्स द ओनली ईयर दैट वाज मेंशनड अर्लियर। गिविंग बर्थ टू देयर, अब देयर में कौन कौन है, देयर में तो ये देयर दौर को रिफर कर रहे हैं, मुमताज महल को भी शाहजहां को भी। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, वेल वी नो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, एंड द मॉस्क वाज कंप्लीटेड इन, क्योंकि साल है तो आगे इन आना चाहिए। सो पॉइंट इज के कि नॉर्मल लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट इज रियली 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 इम्पॉर्टेंट। आप कॉन्टेक्स्ट अगर मिस कर जाएं तो अजीब से सेंटेंस बोलेंगे ठीक है। सो आई होप कि ये बात क्लियर होगी कि टेक्स्ट में और मोर जनरली सिक्वेंशियल डेटा में, टाइम सीरीज डेटा में कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशली इम्पॉर्टेंट। इस वीडियोज में भी ऐसे ही है, ऑडियो में भी ऐसे ही है, टेक्स्ट में भी ऐसे ही है, सब में ऐसे ही। ओके, अब थोड़ा फॉर्मली चीज़ों को देख लेते हैं। हम टाइम सीरीज डेटा की जब बात कर रहे हैं तो एक जो इनपुट आएगी आपके पास, एक सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट पहले क्या होता था, एक वेक्टर होता था, एक इमेज या कोई भी सिग्नल, बस एक वेक्टर। अब और उस एक वेक्टर को मैं कहता था कि ये मेरी इनपुट हो गई, अब मेरी इनपुट सीरीज ऑफ वेक्टर्स होगी, ये सीरीज ऑफ वेक्टर्स को मैं एक इनपुट मानूंगा, यानी इनपुट वेक्टर एट टाइम वन, इनपुट वेक्टर एट टाइम टू और इनपुट वेक्टर एट टाइम टी, ये मिलके, ये सारे के सारे मिलके ये मेरी एक इनपुट बनी है ठीक है, वन इनपुट, वन टाइम सीरीज वाली इनपुट या वन वन सीक्वेंस, सॉरी ओके। और मैं जो मेरा वेक्टर है एट टाइम टी उसको मैं इस तरह ब्रैकेट्स में, सुपरस्क्रिप्ट में ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं कि किस टाइम की बात हो रही है ठीक है। सो मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वन से वन टू थ्री फोर फाइव सारे टाइम स्टेप्स पे, और मैं एट टाइम स्टेप टी जो मेरे पास वेक्टर है उसको मैं स्टैटिक वाले तरीके से देख सकता था, यानी हमारे जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क थे क्या वो यही नहीं कर रहे थे कि आपके पास एक इनपुट वेक्टर आता था डी डिमेंशनल, उसके डी कंपोनेंट्स थे, इनपुट कंपोनेंट, इनपुट वेक्टर का पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, सो पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट और डीएच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एट टाइम टी, और आप उसको अपने नेटवर्क में डालते थे, नेटवर्क में कोई हिडन लेयर होती थी, हिडन लेयर का कोई आंसर निकल आता है, लेकिन हिडन लेयर का आंसर निकला है एट टाइम टी राइट, और वो लेट्स से एम न्यूरॉन्स थे, और फिर आपने आउटपुट निकाल ली फाइनल लेयर से कनेक्ट करके, और वो आउटपुट निकली है एट टाइम टी, और उसमें लेट्स से के न्यूरॉन्स थे ठीक है। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल नेटवर्क ये काम करता था। अब मेरे पास ये वाली कॉपीज नेटवर्क की, ये वाली इस तरह की कॉपीज टी कैपिटल टी कॉपीज होंगी, कैपिटल टी, क्योंकि एक दफा मैंने एक्स वन डाला वाई वन निकल आया, फिर मैंने एक्स टू डाला वाई टू निकल आया, एंड आई कीप गोइंग एंड आई इनपुट एक्स टी कैपिटल टी एंड आई गेट वाई कैपिटल टी। यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, या मैं आगे चलूं? Anyone? No, sir. This is completely okay.
अब हम क्योंकि टाइम में भी इसी नेटवर्क की कॉपीज आने लगी हैं, अब हम अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ज़रा सा कंसाइज करने लगे हैं, छोटा करने लगे हैं। तो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशनल शॉर्टकट जिसमें हम स्पेस में फोल्डिंग करने लगे हैं। रिमेंबर स्पेस में हम कह रहे थे कि जो वेक्टर के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं x1, x2, x का dth कंपोनेंट, इनको हम कहते हैं ये स्पेस में है और टाइम में जो है वो सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स है। तो हम करेंगे ये कि ये जो डी न्यूरॉन्स थे, ये डी न्यूरॉन्स थे इनपुट न्यूरॉन्स, इन सारों को मैं एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो बॉक्स है दिस कंसिस्ट्स ऑफ डी न्यूरॉन्स, इनफैक्ट मुझे ये एरो उल्टा बनाना चाहिए कि दिस बॉक्स हेयर एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ डी न्यूरॉन्स, ठीक है, और उन डी न्यूरॉन्स में मैंने अपना इनपुट वेक्टर फीड किया है एट टाइम टी, ठीक है। सिमिलरली जो मेरे हिडन लेयर के एम न्यूरॉन्स है उनका भी एक बॉक्स बना देता हूं, दिस बॉक्स इज एक्चुअली ऑल ऑफ दीज न्यूरॉन्स, एम न्यूरॉन्स हिडन लेयर के न्यूरॉन्स बट एट टाइम टी। सिमिलरली जो मेरे आउटपुट के न्यूरॉन्स हैं, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स दोज आउटपुट न्यूरॉन्स बट एट टाइम टी, ठीक है। और ये जो मेरे सारे वेट्स हैं, ये जो मेरे सारे वेट्स हैं, इनको मैं एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये डी डिमेंशनल इनपुट को लेते हैं और एम डिमेंशनल इनपुट, एम डिमेंशनल आउटपुट निकालते हैं। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का साइज एम बाई डी होगा। ये बात समझते हैं आप लोग, इसका साइज एम बाई डी क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि इस w ने x से मल्टीप्लाई होना है, x का साइज d by 1 है, तो इसमें इसका मतलब है d में इतने कॉलम्स तो होंगे, और x ने ये सारा काम करके आगे जो भी है let's say tan h में से गुजर के, tan h में से गुजर के इसने h वेक्टर बनाना है, ठीक है, प्लस लेट्स से बायस भी है, तो चूंकि एच का साइज एम बाय वन है इसलिए डब्ल्यू का के जो रोज हैं वो एम होनी चाहिए, ठीक है। अब बी का साइज भी ऑब्वियसली हर न्यूरॉन का अपना बायस होगा तो ये एम बाय वन है, ठीक है, एम न्यूरॉन्स है। सो ये डब्ल्यू, ये सारे वेट्स को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो ये एक मैट्रिक्स है W जिसका साइज m बाई डी है, जो d डिमेंशनल इनपुट को m डिमेंशनल स्पेस पे मैप कर देता है। और ये चूंकि पहली लेयर के हैं मैं इसको W नॉट कह देता हूँ, सिमिलरली इधर के वेट्स होंगे सेकंड लेयर के इनको मैं W वन कह देता हूँ, और इसमें इसका साइज क्योंकि ये m डिमेंशनल इनपुट लेता है और आउटपुट जो है वो k डिमेंशनल है तो ये k बाय m इसका साइज होगा। Is that clear? Anyone? बताएं जी। जी सर। Clear है, आगे चलूं? जी जी सर। ओके तो जो वेट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए कि ये जो एक्स वाला बॉक्स है, इनपुट वेक्टर वाला जो बॉक्स है जिसमें डी न्यूरॉन्स है, इधर से हिडन वाले लेयर पे पहुँचने के लिए मुझे जो वेट्स यूज करने वो डब्ल्यू नॉट है, और हिडन से आउटपुट पे पहुँचने के लिए जो वेट्स हैं वो डब्ल्यू वन है, ठीक है। मैंने बायस मेंशन नहीं किया पर मे बी आई शुड मेंशन के बायस भी है, ये बी वन है
जिसका साइज जो के रियल नंबर्स होंगे के बाय वन. सिमिलरली इधर बी ज़ीरो है, अगेन वेक्टर है ये, और ये भी वेक्टर है. हर न्यूरॉन का अपना बायस जो के एम एम न्यूरॉन्स के लिए होगा. ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम टाइम ऐड करने लगे. दिस इज वेयर सीक्वेंशियल मॉडलिंग कम्स इन. इमेजिन कि आपके पास एक सेंटेंस था, ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, ये जो ही है, दिस इज एक्स द इनपुट एट टाइम वन. ही इज माई इनपुट एट टाइम वन. इज जो वर्ड है, दैट्स माई इनपुट एट टाइम टू. स्कूल जो है, दैट्स माई इनपुट एट टाइम. He is going to school. That's at time 5. He is going to school. So, हम मॉडल इस तरह से करते हैं कि इनपुट आती है. अभी इसको इस चीज को भूल जाएं कि ही तो असल में इंग्लिश का लफ्ज है. इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू सम वेक्टर फॉर्म, है ना. ये इंग्लिश का लफ्ज नंबर्स में कैसे आएगा, ये बाद में देख लें. ठीक है, ये इजाजत है मुझे कि मैं ये जंप लगा लूं. हाँ, लेकिन इट्स नॉट ऑब्वियस कि इंग्लिश के लफ्जों को मैं नंबरों में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. इट्स नॉट ऑब्वियस नहीं है ये चीज, लेकिन लेट्स अस्यूम कि कोई तरीका है. तो ये जो भी नंबर्स हैं, ही को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी नंबर्स हैं वो एक्स है एट टाइम वन. इज को रिप्रेजेंट करने वाले जो नंबर्स हैं वो एक्स है एट टाइम टू. मैं करता क्या हूँ, मैं ही को लेता हूँ और इनपुट करता हूँ. हिडन लेयर पे कोई आंसर निकलता है और आउटपुट आउटपुट कोई निकल आती है. ठीक है, लेकिन उसके बाद हम ये करते हैं कि जब मैं सेकंड वर्ड दिया है तो सेकंड वर्ड में इनपुट आ गया इज, हिडन लेयर को ये इनपुट फीड हो गई. पर हिडन लेयर एट टाइम टू इज गेटिंग इनपुट नॉट जस्ट फ्रॉम इट्स ओन इनपुट, वो पिछली जो हिडन स्टेट था, हिडन लेयर के न्यूरॉन्स का जो भी आंसर था पिछली दफा, वो भी इसमें फीड हो रहा है. ठीक है, यानी दिस इज वेयर मेमोरी कम्स इन. क्योंकि अब जो आंसर निकलेगा वाई टू, मेरा आप लोगों से सवाल है कि जो वाई टू आंसर निकलेगा एट टाइम टू, ये किस पे डिपेंड करता है. ये किस किस पे डिपेंड करता है. I am waiting for your answers. दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो जो इनपुट आ रही है और एक प्रीवियस हिडन लेयर से इनपुट आ रही है H1. हाँ, तो ये Y2 H2 पे डिपेंड करता है और H2 X2 से निकल रहा था, लेकिन H2 H1 की वजह से भी बन रहा है और H1 X1 की वजह से बन रहा है. So it depends on X2 and X1. सही. और अगर मैं जनरली पूछूं कि Y of T depends on what, इसका क्या जवाब देंगे आप. यानी अब तक जितनी भी आ चुकी हैं, टाइम टी तक जितनी भी इनपुट्स आ चुकी हैं, उन सारों पे डिपेंड कर रहा है. जी सर.
ठीक है। सो इसका मतलब है कि अब मैंने कॉन्टेक्स्ट की मॉडलिंग कर ली है, यानी मैं अब मेरा जो नेटवर्क है वो जब आंसर देगा तो वो आंसर सिर्फ एक्स टी को देख के आंसर नहीं दे रहा कि अभी कौन सा लफ्ज आया है, वो उसका आंसर डिपेंड करता है कि अभी कौन सा लफ्ज आया है और उससे पहले क्या आया था और उससे पहले क्या आया था और उससे पहले क्या आया था। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू डू। और अब टाइम भी आ गया है, अब हम तो हमारे नेटवर्क की कॉपीज हैं रियली। ये मेरा एक ही नेटवर्क था जिसकी कॉपी थी एट टाइम वन, एट टाइम वन, ये उसी नेटवर्क की कॉपी है एट टाइम टू। एंड सो ऑन। लेकिन फॉर मी यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सेम इनपुट दे रहा है, उसका साइज सेम है, क्लियर का साइज कुछ बदलना नहीं है। अभी ये प्रेजेंटेशन जिस तरह से हो रही है कि x1 x2 xt का साइज तो ऑब्वियसली सेम है, नंबर एक, और नंबर दो जब h1 ये अगर नेटवर्क की कॉपी है इसका मतलब है कि नेटवर्क एट टाइम 1 नेटवर्क एट टाइम 2 इट्स द सेम नेटवर्क, इट्स द सेम नेटवर्क, लेकिन टाइम टू के ऊपर उसके इनपुट पे एक वन इनटू आ रहा है, तो वो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक्स टू और एच वन जब एच टू को इनपुट जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एच का साइज तो एक्स वन के रिस्पेक्ट में, एच टू का साइज फिर एक्स टू और एच वन का जो जोड़ करके आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये सेम नेटवर्क की कॉपी है। अगर सेम है, सेम नेटवर्क की कॉपी है और साइजेस सेम है, सेम साइज है इस, तो एस टू के लिए जो वेट्स होंगे वो फिर ज्यादा होंगे क्योंकि एक तो वेट्स एस टू के जो इनपुट वेट्स हैं एस टू एस टू तक के लिए भी होंगे, फिर एच वन से एस टू तक भी वेट्स होंगे, तो इतना तो नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप एब्सोल्युटली एक वेट्स हैं जो एक्स को एच पे मैप करेंगे, फिर कुछ वेट्स हैं जो h को y पे मैप करेंगे, हम ये पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं जीरोस और वन, फिर ये वाले वेट्स होंगे जो उनको मैं वन वन कह रहा हूँ क्योंकि ये वन लेयर को वन लेयर पे अपने उसी लेयर पे मैप हो रहा है दोबारा। और इसका साइज आप मुझे बता सकते हैं, इसका साइज आप बिल्कुल डिटर्मिन किया जा सकता है, डब्ल्यू वन वन के साइज की बात कर रहा हूँ, इनके साइज मैं लिख देता हूँ, W0 का साइज था m बाई डी, W1 का साइज था k बाय m, W11 का साइज क्या होगा, बिल्कुल ये दोनों m डिमेंशनल स्पेस के, ये m न्यूरॉन्स थे, ये h2 भी m न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो ये बिल्कुल m से m डिमेंशनल स्पेस से m डिमेंशनल स्पेस पे ही मैपिंग है ये। ठीक है, तो राशिद आपके सवाल आंसर हुए, एक आंसर ये है कि इनपुट्स जो है उनका सेम साइज अस्यूम कर रहा हूँ मैं और बाकी जो है वो वेट्स मौजूद हैं मैपिंग्स के लिए। डिफरेंट वर्ड्स जो हैं टेक्स्ट डिफरेंट वर्ड्स के लिए जो जो इनपुट न्यूरॉन्स है वो सेम अमाउंट के हैं, बिल्कुल इस तरह से जी 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 बिल्कुल, और उसमें मैं अभी नहीं गया ना कि वो कैसे किए, लेट्स अस्यूम के वो एक ही साइज के हैं सारे। और सर इसमें फिर एक और उससे अगला पैदा हो जाता है, वो दोनों द लेंथ ऑफ द सेंटेंस हमें नेटवर्क की कितनी कॉपीज कर रही है वो भी रन टाइम पे ही डिसाइड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इसीलिए कि नेटवर्क की कितनी कॉपीज करनी है अब ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है, दिस इज वाई ये जो रिप्रेजेंटेशनल शॉर्टकट है नंबर टू वो इम्पॉर्टेंट है कि अब हम टाइम में फोल्ड करने लगे इन चीज़ों को। रिमेंबर
ये डायरेक्शन हमारी टाइम की डायरेक्शन थी, है ना, वन से शुरू हुए थे, टाइम टू पे गए थे और एंड पे टाइम टी तक पहुंच गए। सो ये टाइम में मूव कर रहे हैं। और अब मैं, हमने पहले स्पेस में फोल्ड किया था न्यूरॉन्स को, अब हमने नेटवर्क की जो कॉपीज हैं टाइम में फोल्ड करने लगे हैं अब हम। और अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि एट एनी टाइम टी इनपुट आती है एक्स टी, हिडन स्टेट बनता है एच टी और आउटपुट निकलती है वाई टी। लेकिन हिडन स्टेट जो है वो सिर्फ करंट इनपुट से फीड नहीं हो रहा, वो पिछले हिडन स्टेट से भी फीड हो रहा है। यानी टाइम टी माइनस वन पे हिडन स्टेट की जो भी वैल्यू थी वो वापस इन्हीं न्यूरॉन्स में फीड हो रही है। तो ये अगर मैं फोल्ड कर दूं तो ये आराम से एक नेटवर्क शो हो जाता है, अगर मैं अनफोल्ड कर दूं तो लगता है बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। तो जो आपने राशिद अभी बात की थी, रियली कॉपीज असल में है नहीं, वो अगर मैं टाइम में अनफोल्ड करूं तो वो लगता है कि कॉपीज हैं, पर असल में वही नेटवर्क है। वो पहले इवैल्यूएट होता है टाइम वन पे, फिर वो इवैल्यूएट होता है टाइम टू पे, फिर वही नेटवर्क इवैल्यूएट हो रहा है टाइम थ्री पे, और मैं जो भी पिछली हिडन स्टेट की वैल्यूज थी वो अगले टाइम में फीड करी जा रहा हूँ उसको। नेटवर्क एक ही है, कॉपी एक ही है। पहले लेट्स फोकस ऑन जस्ट दिस रियली सिंपल रिकरेंट नेट जिसमें सिर्फ एक हिडन लेयर है। हिडन लेयर ज्यादा बिल्कुल हो सकती हैं, वो कनेक्टेड जिस तरह ये एच वन एच टू से कनेक्ट हो रही है वो भी अपनी अपनी एच टू से कनेक्ट हो रही होंगी, और वो एक दूसरे के साथ भी हो सकती हैं। सो आप इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, और वो एग्जिस्ट करते हैं ऐसे आर्किटेक्चर्स, बट लेट्स फोकस ऑन दिस रियली सिंपल आर्किटेक्चर जिसमें बस एक हिडन लेयर है और हिडन लेयर अपने आप को फीड कर रही है। ओके, सो ये बातें हमने कर ली एक्चुअली कि मेरे जो इनपुट है वो डब्ल्यू नॉट से मल्टीप्लाई होके हिडन न्यूरॉन्स को फीड करता है। हिडन न्यूरॉन्स लेकिन जो है वो इनपुट एक्स से भी ले रहे हैं डब्ल्यू नॉट के थ्रू, और वो अपने पिछली वैल्यूज से भी इनपुट ले रहे हैं डब्ल्यू वन वन वेट के थ्रू, और आउटपुट जो है वो डब्ल्यू वन से मल्टीप्लाई होने के बाद आउटपुट आ जाती है। सो यू हैव थ्री सेट्स ऑफ वेट्स इस सिनेरियो में, 1, 2, 3। ठीक है, लेट्स सी के फॉरवर्ड प्रोपगेशन इसमें कैसे होगी। ठीक है, आपकी आउटपुट ऐसे निकलेगी कि आपके पास आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स का जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है, एफ कह देते हैं, दिस कुड बी लॉजिस्टिक सिग्मोइड, दिस कुड बी टेन एच, दिस कुड बी आइडेंटिटी, दिस कुड बी सॉफ्ट मैक्स। ये तो डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन, अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्ट मैक्स होगा, अगर रिग्रेशन है तो आइडेंटिटी होगा, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो सिग्मोइड होगा, मे बी टेन एच भी कर सकते हैं, यूजली सिग्मोइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। सो जो भी आपका एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें से आप किसको गुजारेंगे, आप हिडन एच टी को पकड़ेंगे, हिडन न्यूरॉन्स को पकड़ेंगे, डब्ल्यू वन से मल्टीप्लाई करेंगे, बायस ऐड करेंगे और एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार देंगे। ठीक है, और ये जो प्री एक्टिवेशन है, प्री एक्टिवेशन को मैं जी कह रहा हूँ, ये भूल रहा है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इसको ए तो नहीं कहा था प्री एक्टिवेशन को, हम वाई इक्वल्स एफ ऑफ ए तो नहीं लिखते थे, कोई मुझे बता सकता है। Anyone?
खैर इन एनी केस हाँ बस मुझे था शायद हम इसको प्री एक्टिवेशन को ये कह रहे थे, अब मैं प्री एक्टिवेशन को जो नाम दे रहा हूँ वो जी दे रहा हूँ, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके ये तो हो गया आउटपुट, लेकिन और आउटपुट जो है वो हिडन लेयर को यूज करती है, और हिडन लेयर अपनी हिडन लेयर कैसे बन रही है, वहां पे जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है लेट्स से टेन एच है और वो बड़ा सादा है डब्ल्यू जीरो इंटू डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स, डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स प्लस बायस, ठीक है, ये तो हम पहले भी करते थे, सिर्फ एक चीज हमने ऐड की है, यानी ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है, सिर्फ एक हमने ये रिकरेंट कनेक्शन एक इंट्रोड्यूस किया है जिसमें एच एट टाइम टी प्रोड्यूस हो रहा है बेस्ड ऑन एच एट टाइम टी माइनस वन, और वो जो मैपिंग है वो डब्ल्यू वन वन के थ्रू हो रही है, ठीक है, और इस प्री एक्टिवेशन को मैं जी प्री एक्टिवेशन ऑफ लेयर जीरो कह रहा हूँ, ऊपर वाली प्री एक्टिवेशन को मैं कह रहा प्री एक्टिवेशन ऑफ लेयर वन कह रहा था, इसलिए जी वन लिखा हुआ है एट टाइम टी, इधर जी जीरो लिखा हुआ है एट टाइम, या जी नॉट कह लें एट टाइम टी प्री एक्टिवेशन ऑफ लेयर जीरो। यहां तक कोई सवाल? Any confusion? Any questions? तो मसला क्या सर, जिस स्पेस से हमने फोल्ड किया जी जी उसमें हमने x1 x2 x3 आपने कोई सवाल किया ही नहीं, सवाल करें कोई सर, वो स्पेस फोल्डिंग मसला है, हमने जिसको स्पेस फोल्डिंग किया था वो ये थी x का कंपोनेंट एट टाइम, और मैंने कहा था कि इन सारों को आप बस कह दें कि ये वेक्टर है x एट टाइम t, ये जब भी आप इन कंपोनेंट्स को वेक्टर के तौर पे कहते हैं तो आप स्पेस फोल्डिंग ही कर रहे होते हैं, ये आप ये वाली स्पेस फोल्डिंग आप पहले दिन से कर रहे हैं जब हमने ये कोर्स शुरू किया होगा, ये वही है स्पेस फोल्डिंग का नाम दे दिया बस मैंने उसे, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मैं बस एक एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स न्यूरॉन से अगर इनपुट लेयर की बात करें, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अगर मैं हिडन लेयर की बात करूं तो हिडन लेयर के भी कोई न्यूरॉन्स होंगे, और वो हिडन लेयर की आउटपुट टाइम टी पे निकली होगी, और उनको मैं जब एक नाम दे देता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने फोल्डिंग कर ली स्पेस में। आप कुछ कह रहे थे? यहाँ पे स्केलर है, देखिए मेरे एक्स का फॉन्ट भी फर्क है, तो ये स्केलर है, ये सारे स्केलर थे, जी उमर आप पहले कंप्लीट करें, जी बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, मैं बस उसको नाम दे रहा हूँ, बिल्कुल वही है। ठीक है, और टाइम में जो है असल में फोल्डेड ही है, टाइम में ऐसा ही है जैसी ये फिगर इस वक्त बनी हुई है, वो तो हमने जान के अनफोल्डिंग की थी, असल में अनफोल्डिंग कोई नहीं है, हम तो नेटवर्क की वो फंक्शनिंग देखने के लिए उसको अनफोल्ड करके देख रहे थे, असल में नेटवर्क ऐसे ही है जैसा अभी बना हुआ है, इट्स फोल्डेड, ठीक है। ओके
ओके रिकरेंट नेट्स की और डिटेल में घुसने से पहले देख लेते हैं कि रिकरेंट नेट्स किस किस्म की मैपिंग्स होती हैं। ये सीक्वेंस वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें या तो इनपुट सीक्वेंस में आ रही है या आउटपुट आपको सीक्वेंस में चाहिए, उस तरह की कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम हो सकती है वन टू मैनी मैपिंग, जिसमें आपके पास इनपुट में बस एक वेक्टर आया, ठीक है, या इस तरह कहने के इनपुट आपको मिली थी एट टाइम वन, ठीक है, इनपुट बस एक टाइम पे मिली है और अब आपने उसकी बेस पे कोई पहले एक आउटपुट निकालनी है और फिर दूसरी आउटपुट निकालनी है और फिर तीसरी आउटपुट निकालनी है। इनपुट एक ही मिली थी। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है इमेज कैप्शनिंग, इसकी एग्जांपल कुड बी इमेज कैप्शनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज आई और उस इमेज के अंदर पानी था, अब मुझे कलरिंग करनी पड़ेगी, आई डोंट वॉन्ट टू कलर राइट नाउ। उस इमेज के अंदर दरख्त था, जमीन थी, कब्बे थे, आई डोंट नो, बहुत चीज़ें थी और आपने सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया उस इमेज को कि जी एन ईगल, लेट्स से एन ईगल फ्लाइंग पास्ट ट्री ऑन ग्रीन ग्रास। तो हुआ क्या, इमेज जो है, इमेज को अगर मैं देखूं तो ये मेरी एक टाइम पे जो मेरी इनपुट आई थी एट टाइम वन, बस वो ये एक इमेज थी, ठीक है, और मैंने जो आउटपुट निकाल ली है वो कई वर्ड्स निकल आए हैं। वो एन वर्ड निकला एट टाइम वन, ईगल निकला है वर्ड एट टाइम टू, एंड आई कीप गोइंग और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ वर्ड्स प्रोड्यूस कर दिए मैंने बेस्ड ऑन वन इमेज। तो दैट्स अ वन टू मैनी मैपिंग, ये इमेज कैप्शनिंग की प्रॉब्लम है। यू कुड हैव मैनी टू वन मैपिंग्स एज वेल, जिसमें आपके पास इनपुट वैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, और आपके आउटपुट है वो सिर्फ एंड पे, जब आपने आखिरी इनपुट देखी है टाइम थ्री वाली, तो तब आपने आउटपुट निकाल ली है। दिस कुड बी वीडियो क्लासिफिकेशन, कि वीडियो के सारे फ्रेम्स जब आपने देख लिए तब आपने कहा कि इस वीडियो में ये हो रहा है, या इस वीडियो का एंड ये हुआ, इस वीडियो में एंड पे ये बात निकली थी, ठीक है। तो वीडियो की क्लासिफिकेशन मैनी टू वन मैपिंग होगी कि बहुत सारे हर फ्रेम जो है वो एक टाइम में एक इनपुट है, लेकिन जो आउटपुट निकालनी है आपने हर फ्रेम पे, आपको आउटपुट नहीं चाहिए, आपको आखिरी फ्रेम के बाद आउटपुट चाहिए कि इस वीडियो में ये हुआ था। यू कुड हैव मैनी टू मैनी मैपिंग्स, यू कुड हैव मैनी टू मैनी डिलेड मैपिंग्स। फॉर एग्जाम्पल डिलेड मैपिंग इस तरह से होगी कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यू कुड हैव यहाँ पे हो सकता है आपने कहा हो ही इज क्रेजी, और यहाँ पे अरबी में आपने ट्रांसलेट करना और आपने कह दिया हो हमने कह दिया हो कि हुआ मजनून। तो अब इसमें जो इनपुट है उसमें भी टाइम में बहुत सारे वेक्टर्स थे, तीन वेक्टर्स थे टाइम में, सीक्वेंस में आ रहे थे, पहले ही, फिर इज, फिर क्रेजी। और जो आउटपुट है उसमें भी ऐसे ही है कि आपके
पहले हुआ कहना चाहिए आपको, फिर मजनून कहना चाहिए। ओ एक्चुअली मैंने अरबी उस तरह से लिख दी, लेकिन हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये ऐसे होना चाहिए था, हुआ इस वक्त निकलना चाहिए था और मजनून इस टाइम निकलना चाहिए था, हुआ मजनून। तो ये भी एक सीक्वेंस आया था, सीक्वेंस ही आपने, सीक्वेंस इनपुट हुआ था, सीक्वेंस ही आउटपुट हुआ है, लेकिन उनकी लेंथ फर्क हो सकती है। ये थ्री तीन नंबरों का था, तीन वेक्टर्स थे और ये सिर्फ दो वेक्टर्स होंगे। लेकिन क्रूशली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि मेरी ट्रांसलेशन तब शुरू होगी जब मैंने यहाँ पे क्रेजी देख लिया एंड पे, यानी इस सीक्वेंस को जब मैंने एंड कर दिया तब मेरी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। क्योंकि वरना आई डोंट नो व्हाट टू से हियर, ठीक है, जब तक मैं सेंटेंस का एंड नहीं कर देता। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस मैपिंग्स, ठीक है, और इनकी वजह से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इसके लॉस फंक्शन भी जरा से फर्क होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिकरेंट नेट्स के जो लॉस है ना, वो अब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्स एट टाइम टी और वाई एट टाइम टी ऐसा नहीं है कि आपके पास बस किसी एक y और किसी एक टारगेट इनके दरमियान लॉस हो। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैं कहूँ कि जी y एट t और टारगेट एट टाइम t इनके दरमियान कोई लॉस हो। जो लॉस जिसको आप कहेंगे वो पूरी सीरीज के बीच में है, यानी y आउटपुट एट टाइम वन और टारगेट एट टाइम वन प्लस नहीं एंड आउटपुट एट टाइम टू एंड टारगेट एट टाइम टू एंड वी कीप गोइंग और आउटपुट एट टाइम टी एंड टारगेट एट टाइम टी। इन सारों को यूज करके अब आपका लॉस बनेगा, दिस विल बी लॉस फॉर वन एग्जाम्पल, फॉर वन सैंपल, ठीक है। रिमेंबर फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंसेस की बात कर रहे थे तो ये सारे जो आउटपुट निकली है y1, y2, y t तक, ये अभी एक सेंटेंस निकला है और ये इनपुट सैंपल के लिए ये एक आउटपुट सैंपल निकला है कंसिस्टिंग ऑफ t वेक्टर्स, ठीक है। तो जो लॉस है वो एक सैंपल का लॉस ये कई इन आउटपुट और टारगेट वेक्टर्स की मैचिंग को कंबाइन करके बनेगा। और अक्सर ये होगा कि आप इनफैक्ट ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस आप ये लॉस कंप्यूट नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये आखिरी वाला आ नहीं गया आउटपुट, ठीक है। यू नीड द लास्ट आउटपुट, ये आउटपुट आएगी तो आपका लॉस पूरे का पूरा बनेगा, ठीक है। तो लॉस कंप्यूट होना तब शुरू होता है जब आपके पास पूरा सारी की सारी आउटपुट्स आ गई हैं y1, y2 और y टाइम t पे भी आ गई है, और उन सारों को फिर आप टारगेट्स के साथ कंपेयर करते हैं और आप कोई ना कोई लॉस जैसे भी आपने डिफाइन करना है वो लॉस आप कंप्यूट कर लेते हैं। ओके हमने जिस तरह के लॉस देखे हैं ना वो इस किस्म के थे, यानी खैर रिकरेंट के तो नहीं, या चले मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं। हमारे जो लॉस फंक्शन इस लेक्चर में हम यूज करेंगे, वी विल अस्यूम के लॉस डीकंपोजेबल है। बाय डीकंपोजेबल आई मीन के जिसको मैं एक एग्जांपल पे लॉस कह रहा हूं वो है इंडिविजुअल लॉस एट द फर्स्ट टाइम इंस्टेंट प्लस द इंडिविजुअल लॉस एट द सेकेंड टाइम इंस्टेंस एंड सो ऑन,
major loss at the last time instance. ठीक है, इसे कहेंगे डीकम्पोज हो गया कि मैं जो ओवरऑल लॉस है वो मैं इंडिविजुअल लॉसेस के सम से बना लूंगा, यानी अगर ड्रिफ्टर्स भी निकालने हैं तो किसी एक के हिसाब से ड्रिफ्टर निकाल लिया, इसका मतलब सारों के हिसाब से ड्रिफ्टर निकल जाएंगे और ड्रिफ्टर्स को सम कर लेंगे, तो इट मेक्स आवर लाइफ इजियर। जरूरी नहीं है रिकरेंट नेटवर्क्स में कि लॉसेस जो हैं डीकम्पोजेबल हों, ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए फिलहाल अस्यूम कर लेंगे कि डीकम्पोजेबल है टाइम में लॉस, लेकिन इन फॉर बोथ केसेस एज लॉन्ग एज आप कर्ली एल बाई कर्ली वाई टी, ये जो वाई टी है दिस शुड एक्चुअली बी वाई एट टाइम टी, सो एज लॉन्ग एज आप कर्ली एल बाई कर्ली वाई एट टाइम टी निकाल सकते हैं, आगे बैक प्रोपगेशन विल हैंडल द रेस्ट। ठीक है, अब मैं अस्यूम ये करने लगा हूं कि आपका जो भी लॉस फंक्शन था, ठीक है, उसके लिए ये कंप्यूट करना आसान था, कर्ली वाई कर्ली एल बाय कर्ली वाई टी, और ये यूजली आसान होता है, मतलब सम स्क्वेयर्ड एरर होता है, केएल डाइवर्जेंस होती है, मतलब देर आर नोन फंक्शंस यूजली वो यूज हो रहे होते हैं और उनके साथ ये ड्रिफ्टिव कंप्यूट करना आसान होता है आउटपुट लेयर का। सो आई एम गोइंग टू अस्यूम के इन जगहों पे मैं बैक प्रोपगेट करके पहुंच गया हूँ, कर्ली एल बाय कर्ली वाई टी ये मुझे पता लग गई है, फॉर ऑल टाइम इंस्टेंसेस, किसी भी टाइम इंस्टेंस पे अगर मुझे चाहिए तो ये मेरे पास होगा। ठीक है, ओके, यहां तक कोई सवाल जी? Any questions? Okay. अब जरा सा ना नेटवर्क को थोड़ा सा खोल के देखते हैं। अभी हमने ना नेटवर्क को काफी सिंप्लीफाई कर दिया कि इनपुट आई, इनपुट की बेस पे हिडन लेयर आएगी, हिडन लेयर की बेस पे आउटपुट लेयर आएगी, आउटपुट लेयर की बेस पे लॉस निकल आएगा। अब जरा सा दोबारा नेटवर्क को खोलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं, ताकि पता लगे कौन किससे कनेक्टेड है रियली। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो आरएनएन में हो रही होती है उसमें असल में ये होता है, अब मेरे साथ रहिएगा, इनपुट आई एट टाइम वन उसको मैंने वेट ऑफ, अब मैंने यहाँ पे डब्ल्यू आई लिखा हुआ है, बाय डब्ल्यू आई आई मीन इनपुट लेयर वाला जो वेट है, जो इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वेट, ठीक है, या अपोलोजाइज ये नोटेशन ना काफ़ी ऊपर नीचे होएगी, अब आगे और भी फर्क नोटेशन आने लगी, सो प्लीज़ बेयर विद मी। इनपुट लेयर का जो भी वेट मेट्रिक्स था उससे मल्टीप्लाई हुआ और बायस एड हुआ, तो ये प्री एक्टिवेशन आ गई, प्री एक्टिवेशन। और फिर ये जो प्री एक्टिवेशन थी इसके ऊपर आपने वो फंक्शन लगाया, एक्टिवेशन फंक्शन जो भी था, फॉर एग्जांपल टैन एच था, ठीक है, टैन एच लगाया और एक्टिवेशन निकाल लिया आपने, और फिर एक्टिवेशन को आपने आउटपुट लेयर के, इसको डब्ल्यू ओ लिखा हुआ है, कि आउटपुट लेयर का जो वेट है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, बायस ऐड किया और आउटपुट निकाल ली। और अगले टाइम पे क्या हुआ, अगले टाइम पे आपके पास एक्स टू आया, आपने इनपुट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, प्री एक्टिवेशन निकाल ली, लेकिन और फिर टेन एज में से आपने गुजारना है इसको, ठीक है, लेकिन बिफोर पासिंग थ्रू टेन एज आपने जो पिछले टाइम पे हिडन लेयर का आंसर था उसको W11 से मल्टीप्लाई करके ये प्री एक्टिवेशन में ऐड करना है, ठीक है। लेट्स गो टू द इक्वेशंस जो हमने पहले देखी थी, कि मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो इक्वेशन कह रही थी, कि आपके पास इनपुट आई, इनपुट को आपने
इनपुट लेयर वाले वेट से मल्टीप्लाई किया, आपने बायस ऐड किया और आपने टैन एज में से गुजारना है, लेकिन टैन एज में से गुजारने से पहले आपने यही वाली हिडन लेयर का जो पिछले टाइम पे आंसर था उसको W11 से मल्टीप्लाई किया और ये चीज भी ऐड कर दी बिफोर पासिंग थ्रू टैन एज, विच मीन्स के जो प्री एक्टिवेशन है उसको, यानी हम पहले तो ये कह रहे थे ना, इस डायग्राम से ऐसे लगता है कि जैसे ये जो हिडन न्यूरॉन्स हैं ये बस एच जो है वो एच को फीड कर रहा है। इट इज ट्रू कि एच एच को ही फीड कर रहा है, पर थ्रू व्हाट? एच एच को फीड कर रहा है थ्रू प्री एक्टिवेशन जी, ठीक है। सो पुराने हिडन आउटपुट जो है वो एक्टिवेशन के प्री एक्टिवेशन में जाती है, फिर टैन एच से गुजरती है और फिर एच टू बन जाता है उससे। इस पे कोई सवाल? और ये वो रिकरेंस है कि जो टाइम कैपिटल टी पे जो एंड पे आंसर निकला है, इट डिपेंड्स ऑन एच टी विच डिपेंड्स ऑन जी टी एंड दिस प्री एक्टिवेशन एट टाइम टी जी टी दिस डिपेंड्स ऑन एच टी माइनस वन विच डिपेंड्स ऑन जी टी माइनस वन विच डिपेंड्स, यानी अब ये पीछे पूरी रिकर्जन चलेगी और हम एंड पे हम ये कहेंगे कि वाई एट टाइम टी बिल्कुल ये पीछे जाता है, डिपेंड्स ऑन एक्स इनपुट एट एक्स वन एंड एंड ऑल द अदर इनपुट्स एज वेल, ठीक है, और ये पूरी रिकर्जन चलती है। ओके, अब वो इक्वेशंस भी ले आते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस कि आपके पास ये, और मैं अब सिर्फ टाइम टी की बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम जो है, ठीक है, लास्ट टाइम स्टेप की बात हो रही है इस स्लाइड पे, यानी नेटवर्क की जो ये वाली कॉपी है, ये वाली कॉपी, इसमें क्या हुआ होगा? आपके पास x आया होगा एट टाइम t, आपने उसको इनपुट वाले वेट से मल्टीप्लाई किया होगा, आपने उसमें बायस इनपुट का ऐड किया होगा, लेकिन इसी प्री एक्टिवेशन के अंदर आपने जो पिछली टाइम स्टेप यानी टाइम कैपिटल टी माइनस वन इस पे जो हिडन लेयर थी उसको डब्ल्यू वन से मल्टीप्लाई किया और ये भी ऐड कर दिया, इस प्री एक्टिवेशन एट टाइम टी को आपने टेन एच में से गुजारा, आपके पास हिडन एक्टिवेशन आ गई एट टाइम टी, हिडन आउटपुट आ गया टाइम टी, इस हिडन आउटपुट एट टाइम टी को आपने आउटपुट लेयर के वेट से मल्टीप्लाई किया, बायस ऐड किए, एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारा और आउटपुट आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? क्विकली आपकी पहली बात सही है, दूसरी बात पूरी तरह सही नहीं है। पहली बात आपकी ये थी कि जब तक हम वाई टी नहीं निकाल लेते, जब तक वाई टी नहीं निकाल लेते हम बैक प्रोपगेशन नहीं कर सकते, और फिर आपने उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टेप उससे पहले रुक जाए, जब तक वाई टी नहीं निकाल लेते ये लॉस ही नहीं निकलेगा, आप लॉस ही नहीं निकाल सकते अगर वाई टी नहीं निकला, ये लॉस डिपेंड कर रहा है सारे वाइज पे, वाई वन वाई टू वाई डॉट 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 वाई टी तक, जब ये सारे आ जाएंगे, जब ये सारे वाइज आ जाएंगे उनको मैं ये सारे टी से कंपेयर करूंगा, और अब मैं कहूंगा कि मेरा जो आउटपुट सीक्वेंस है वाइज का वो मेरे टारगेट सीक्वेंस टीज का जो सीक्वेंस है उससे मैच करता है कि नहीं करता, तो
तब ये लॉस निकलेगा और तब फिर कोई एरर निकलेगा, तब कोई बैक प्रोपगेशन की बात शुरू होगी। सर ये बेस जो है वो मतलब पावर प्रॉप W I W one W O जो है देर में नहीं सेम नॉट चेंज एट ऑल, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, सेम है। तो इसका मतलब इससे वो बात क्लियर हो रही है कि हमने मल्टीपल इनपुट्स के लिए हमारे मतलब पैरामीटर्स कितने कम होंगे, हमारे पास तरह से तीन किस्म के पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल तीन I one W O rather than के हाँ नहीं एक वही तीन है। ऐसे में नेटवर्क ही एक है, ये तो मैंने नेटवर्क को ड्रॉ ऐसे कर दिया है कि जैसे बहुत सारे नेटवर्क, नेटवर्क एक ही है। अगर मैं वो लूप टाइम वाला लगा दूँ ना तो ये नेटवर्क बस एक ही है। ओके अब चूंकि इसकी नोटेशन जो है वो काफी and if you're not careful with notation the things can get real messy. This is true in other cases well, lekin RNNs mein ye kafi important hai notation theek rakhna aur notation clear rakhna. Acha ab for notational clarity jab hum layer L ki baat karenge, kisi layer L ki baat karenge to hum kahenge ki uski jo pre activation thi wo ZL thi और एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजरने के बाद जो आंसर निकला वो एच एल था, सुपरस्क्रिप्ट जी सुपरस्क्रिप्ट एल एच सुपरस्क्रिप्ट एल, ठीक है। यानी इस इधर इस एग्जांपल में देख लेते हैं, मैं जो पहली प्री एक्टिवेशन आई है उसको जी सुपरस्क्रिप्ट वन कह रहा हूं और उसको एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारने के बाद जो आउटपुट आई है उसको एच सुपरस्क्रिप्ट वन कह रहा हूं, ठीक है। और अब मैं सारी बात हर चीज मैं जी और एच की टर्म्स में करूंगा, यानी अब मैं जो इनपुट था एक्स एक्स को मैं कह दूंगा कि एक्स इज एच नॉट, ये जीरोथ लेयर पे जो आंसर निकला था, ठीक है। और ये फीड हुआ था एक्टिवेशन निकालने के लिए लेयर वन की, वो फीड हुआ था आउटपुट निकालने के लिए लेयर वन की, वो फीड हुआ जी टू में, वो फीड हुआ एच टू में, एंड सो ऑन, आई मीन वो फीड हुआ जी थ्री में, और जिसको आप वाई कहते थे आउटपुट निकल आई, मैं अब आउटपुट वाई नहीं कहूंगा, मैं एच थ्री कह दूंगा, यानी हर चीज अब मेरी एच है या जी है। ये बात क्लियर हुई? ये मेरी फाइनल जो है नोटेशन है, यहां पे इनपुट लेयर जीरो कह देता हूं, उसके बाद जो है वो लेयर वन है, सेकेंड लास्ट जो है वो लेयर एल माइनस वन है, एंड पे जो आउटपुट जो निकल रही है वो लेयर एल है, लेयर कैपिटल एल, लेयर कैपिटल एल माइनस वन, लेयर वन। और अगर ये नोटेशन अब मैं यूज करूं तो टाइम टी पे नोटिस कि मैं आखिरी टाइम की बात कर रहा हूं, जिस तरह पिछली स्लाइड पे था, टाइम कैपिटल टी पे एंड पे, एंड पे ये हुआ होगा कि जी वन पहली लेयर के प्री एक्टिवेशन, ये वही उसी इक्वेशन से निकली होगी कि इनपुट जिसको आप एक्स कहते थे एट टाइम टी, उसको जीरोथ लेयर के जीरोथ लेयर के वेट से मल्टीप्लाई किया और जीरोथ लेयर का बायस ऐड किया और रिकरेंट वाला वेट वो रिकरेंट वाला प्रोसेस फॉलो किया, तो ये पहली लेयर लेयर वन की प्री एक्टिवेशन आ गई। और लेयर वन की प्री एक्टिवेशन एट टाइम टी को आपने टेन एज में से गुजारा तो लेयर वन की आउटपुट आ गई हिडन लेयर की, उसको आपने
फिर से अगली लेयर के लिए ओ दिस शुड बी दिस इज फाइन, फिर डब्ल्यू वन यानी सेकेंड लेयर के वेट से मल्टीप्लाई किया, बायस ऐड किया, एक्टिवेशन फंक्शन पे से गुजारा तो एच टू आ गया जिसको आप वाई कहते थे, आउटपुट आ गई। यानी ये जो इक्वेशंस हैं ये इस डायग्राम के लिए, इस नेटवर्क के लिए जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक हिडन लेयर है। ठीक है, यू कुड हैव नेटवर्क्स विद मल्टीपल हिडन लेयर्स जिस तरह यहाँ पे है, और उसमें फिर वही होगा कि हिडन लेयर जो है एच वन वो अगले टाइम पे प्री एक्टिवेशन को फीड कर रही होगी, ठीक है, डब्ल्यू वन वन के साथ। जो हिडन लेयर टू है वो अगले टाइम पे प्री एक्टिवेशन को फीड कर रही होगी वेट डब्ल्यू टू टू के साथ, क्योंकि ये सेकेंड से सेकेंड की है, ठीक है, और एंड पे डब्ल्यू एल माइनस वन होगा क्योंकि ये लेयर एल माइनस वन से एल माइनस वन को फीड कर रही है। ये बात क्लियर है कि नहीं? एनीवन? जी सर। ओके, सो अब मैं वही वाली डायग्राम जो पहले बनाई थी अब वो इस टर्म्स इस नई टर्मिनोलॉजी के साथ लिख रहा हूं। आपके पास एच जीरो एट टाइम वन, अब मैंने टाइम का ब्रैकेट जो है वो कॉमे से लिख दिया है, हाँ टाइम का ब्रैकेट अब कॉमे से लिखा हुआ है। सो दिस मीन्स एक्स एट टाइम वन, दिस मीन्स एक्स एट टाइम टू, ठीक है, तो एच जीरो उसको कह रहा हूँ मैं। फिर वो डब्ल्यू जीरो ये उस लेयर के वेट्स हो गए, प्री एक्टिवेशन हो गई लेयर वन की एट टाइम वन, आउटपुट हो गई लेयर वन की एट टाइम वन, फिर वेट्स आ गए फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर के, और इसको आप वाई कहते थे, वाई एट टाइम वन कहते थे, इसको आप वाई एट टाइम टू कहते थे, एंड सो ऑन। तो बस ये वो नई टर्मिनोलॉजी उसके साथ आ गई। ओके, रिकरेंट नेट्स को समझने के लिए जो मल्टीवेरिएट चेन रूल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, मतलब थिंग्स गेट रियली मेसी। और मल्टीवेरिएट चेन रूल बस ये कह रहा था कि इफ़ यू हैव अ फंक्शन एफ, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू ऑफ एक्स एंड इट डिपेंड्स ऑन वी ऑफ एक्स, ठीक है, मैं एरोज भी बना देता हूँ, u of x depends on x, v of x depends on x, and f depends on both of them, ठीक है, u of x and v of x। तो मल्टीवेरिएट चेन रूल ये कहता है कि f का डेरिवेटिव x के हिसाब से वो होगा curly f by curly u, यानी जो डेरिवेटिव होगा उसमें होगा curly f by curly u और multiplied by curly u by curly x, और फिर एक प्लस और प्लस होगा कर्ली एफ बाई कर्ली वी और फिर कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, ठीक है, यानी और ये बात आगे के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको समझने के लिए ना ये डायग्राम जो है ना इसको समझना या इसको सॉर्ट ऑफ याद कर लेना बड़ा ज़रूरी है कि हमने असल चीज़ जो देखी वो ये है कि अगर कोई भी चीज़ है लेट्स से कोई डब्ल्यू है और वो इसको भी इफेक्ट कर रहा है और इसको भी इफेक्ट कर रहा है, इसको भी इफेक्ट कर रहा है, इसको भी इफेक्ट कर रहा है, और ये सारे इवेंचुअली किसी लॉस को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी लॉस को इफेक्ट करता 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 है, समथिंग 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 समथिंग। तो मल्टीवेरिएट चेन रूल ये कहेगा यानी जब भी आपको इस तरह की इन्फ्लुएंस नजर आए डब्ल्यू का लॉस पे तो आपको जान लेना चाहिए कि ये मल्टीवेरिएट चेन रूल अब यहाँ पे आना चाहिए कि कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू निकालने के लिए कोई सम होगा, अब सम होगा इन चार के इंडिविजुअल चेन रूल यूज जो किए होंगे, कर्ली एल बाय दिस इंटू कर्ली दिस बाय डब्ल्यू,
curly L by curly this into curly this by curly, और ये सारे ऐड हो रहे होंगे, ठीक है? तो सम आएगा whenever whenever a parameter spreads out, ठीक है? तो मल्टीवेरिएट चेन रूल विल कम, और मल्टीवेरिएट चेन रूल इस शक्ल में आता है, प्लस की शक्ल में, ठीक है? आगे आगे चलते हैं। अच्छा अब मैंने, अच्छा यहां तक कोई सवाल आप लोगों के? एनीवन, यहां तक कोई सवाल? राशिद आपके अलावा कोई क्लास में है भी इस वक्त? यार जी जी उमर बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स अ फंक्शन और वो रिकर्सिव फंक्शन है, और उसकी उसकी रिकर्सिव जो इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है कि 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 एच एच वन का जो आंसर आना है, या सॉरी जो टाइम टी पे जो आंसर आना है, टाइम टी पे जो आंसर आना है वो टाइम टी माइनस वन के आंसर पे डिपेंड करता है, और तो टाइम टी माइनस वन का आंसर टी माइनस टू पे डिपेंड करता होगा, टी माइनस टू टी माइनस थ्री पे डिपेंड करता होगा, तो ये टाइम में पीछे को एक रिकर्जन चल रही होती है फिर आंसर निकलता है। मैं डॉक्यूमेंट कैसे खोलूँ, पर मैं एक्चुअली थोड़ा सा ना डिटोर लेना चाह रहा हूँ, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिटोर। और मैं ये कंप्यूट करना चाह रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन, ठीक है? वो लॉस फंक्शन है L, लेकिन जो मेरी आउटपुट है वो वेक्टर आउटपुट है, y, ठीक है? और y इक्वल्स wx, सिंप्लीफाई करने के लिए, फॉर y इक्वल्स wx विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स w, आप लोग ये सिचुएशन अभी समझ गए? सिचुएशन क्या है, मैंने करना क्या है? एनीवन आर यू फॉलोइंग कि मैं करना क्या चाह रहा हूं? मुझे किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा जी। हाँ बिल्कुल सादा सी चीज है, लेकिन मेरी जो आउटपुट जो थी वो वेक्टर था, तो मैं साइजेस लिख देता हूँ। मेरी इनपुट का साइज था m बाय वन, ठीक है? मेरी जो वेट मैट्रिक्स है उसका साइज है k बाय m, मेरी जो आउटपुट है इसका साइज होगा k बाय वन, ठीक है?
और ओके वेट मैट्रिक्स मैं बता ही चुका हूँ इसका साइज के बाय एम है, ठीक है। जो लॉस है ये स्केलर है, ठीक है स्केलर। अगर आपको याद हो हमने मैट्रिक्स और वेक्टर कैलकुलस का एक लेक्चर हमारा मैट्रिक्स और वेक्टर कैलकुलस पे था और उस पर हमने ये चीज डिफाइन की थी कि किसी स्केलर, अगर L एक स्केलर है, स्केलर के हिसाब से जो डेरिवेटिव होता है, स्केलर का डेरिवेटिव मैट्रिक्स के हिसाब से वो ऐसे लिखा जाएगा कर्ली L बाय कर्ली W वन वन और कर्ली L बाय कर्ली W 2-1, not 1-2, 2-1, and so on, curly L by curly W, K rows thi iski, to K1, and we keep going, or end pe aega curly L by curly W, K or M, ये हमने कन्वेंशन सेट की थी। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस कन्वेंशन के मुताबिक जो डेरिवेटिव का साइज है, डेरिवेटिव का साइज ट्रांसपोज्ड होगा, मतलब डेरिवेटिव अगर W K बाय M था तो डेरिवेटिव M बाय K होगा। ये आप मैट्रिक्स और वेक्टर कैलकुलस में स्केलर का डेरिवेटिव मैट्रिक्स के हिसाब से ये वो वाला सेक्शन जाके देख लें, वहाँ एक इक्वेशन दी हुई थी मैट्रिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर में। स्केलर का डेरिवेटिव जब हम मैट्रिक्स के हिसाब से लेंगे तो अगर मैट्रिक्स के बाय एम का था डेरिवेटिव एम बाय के होगा, ट्रांसपोज होगा, ठीक है। यानी ये चीज, ये जो आंसर आना है ये एम बाय के होगा, ठीक है। अब इसको लिखने की कोशिश कर लेते हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा। Well, curly L by curly W, L depends on Y, right? Loss Y पे depend करता है directly. So this is equal to curly L by curly Y, और उसके बाद, और ये crucial term है, curly Y by curly W. Again, मैट्रिक्स और वेक्टर कैलकुलस वाले लेक्चर में देख लें कि जब हमने कन्वेंशन ये सेट की थी स्केलर का डेरिवेटिव वेक्टर के हिसाब से जब होगा तो वो, और वेक्टर का साइज अगर के है तो वन बाय के, यानी ये रो के तौर पे लिखा जाएगा, ये कॉलम के तौर पे नहीं लिखा जाएगा, ये रो के तौर पे, यानी कर्ली एल बाय कर्ली वाई जिसको मैं कहता हूँ, दिस इज इक्वल, ये इस तरह करके लिखा जाएगा, कर्ली एल बाय कर्ली वेक्टर का पहला कंपोनेंट, कर्ली एल बाय कर्ली वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, एंड सो ऑन आखिरी kth कंपोनेंट। तो ये वन बाय के लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये कैसे लिखा जाएगा? कैन एनी वन टेल मी, ये इसका क्या साइज होगा, ये और ये है क्या, ये किस चीज का किससे डेरिवेटिव है? एनीवन? वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स। स्केलर का जब हमने किया था मैट्रिक्स के हिसाब से तो आंसर मैट्रिक्स आता है, स्केलर का जब हमने एक्चुअली ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स आता है, स्केलर का जब वेक्टर से किया तो आंसर वेक्टर आया ट्रांसपोज, मैं साइजेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। वेक्टर को अगर आप स्केलर से कर लें तो फिर से वेक्टर ही आएगा डेरिवेटिव। ये वाला हमने कभी नहीं किया, वेक्टर का डेरिवेटिव
मैट्रिक्स के हिसाब से। ये काफी ट्रिकी सी चीज है, ठीक है, क्योंकि देखें जो रूल्स हम फॉलो कर रहे थे उनके मुताबिक इसका आंसर इस किस्म का आना चाहिए। मैं इसको प्रॉपर dv by dn इस रूल्स के मुताबिक ये होना चाहिए। dv1 by dm ये कौन सा डेरिवेटिव है, व्हाट बाय व्हाट, ओके ग्रेट, तो ये स्केलर बाय मैट्रिक्स है, राइट, स्केलर बाय मैट्रिक्स है। इसका साइज क्या होगा, जो एम का साइज होगा, है ना, जी जी, इसके ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर लें एम बाय के, लेट्स अस्यूम के उसका साइज के बाय, तो इसका साइज एम बाय के होगा, ग्रेट। लेकिन ये तो पहले कंपोनेंट का डेरिवेटिव था एम के हिसाब से, रियली अब जो सिचुएशन है वो ये होगी, ये जो डीवी बाय डीएम डेरिवेटिव है वेक्टर का मैट्रिक्स के हिसाब से, इसमें सबसे पहले मैं सीधा इसी पे आ जाता हूं, क्योंकि ये भी वही है वेक्टर वाई का डेरिवेटिव मैट्रिक्स डब्ल्यू के हिसाब से, तो ये ऐसे लिखा जाएगा वेक्टर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू मैट्रिक्स, ये आएगा सबसे पहले एक मैट्रिक्स आएगा यहां पे जो y1 का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू w, और इसका साइज होगा m by k, y1 एक स्केलर है, w एक मैट्रिक्स है जिसका साइज k by m था, वो ट्रांसपोज हो जाता है इसमें k m by k बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ y1 से आंसर आया है, फिर आंसर एक y2 से आएगा, उसको हम यहाँ पीछे प्लेस करेंगे, यानी एक और स्लाइस है, एक मैं उसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी ये जो सेकंड स्लाइस रखी है ये वाई के सेकंड कंपोनेंट का डेरिवेटिव है उसी डब्ल्यू से, ठीक है, एंड वी कीप गोइंग, और जितने भी ये डेरिवेटिव्स आएंगे ये आखिरी वाला आएगा कर्ली वाई का आखिरी कंपोनेंट वाई के, उसका डेरिवेटिव डब्ल्यू के हिसाब से, जिसमें इस डिमेंशन में कितने कितने एरेज हैं इस डिमेंशन में, यस ये के मैट्रिसेस बनेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि आम मैट्रिक्स एक आम एरे में आप इसको डिमेंशन वन कहते थे, फर्स्ट डिमेंशन, और कॉलम को सेकंड डिमेंशन कहते थे। ये जो 3D किस्म का एरे आ गया एक, इसके अंदर जो डेप्थ है इसको डिमेंशन वन लेंगे हम, ये जो उसके बाद जो रो आ रही है एम, ये डिमेंशन टू है, रोज जो है, और ये जो कॉलम्स हैं ये डिमेंशन थ्री है, ठीक है जी, यहां तक आप मेरे साथ हैं कि नहीं, और
और मुझे बताएं इसका आंसर आना क्या है बाय द वे, सिर्फ इसका आंसर बता दें मुझे, वाई के पहले कंपोनेंट का डेरिवेटिव डब्ल्यू के हिसाब से, वाई का पहला कंपोनेंट आया कैसे था, वाई कैसे आया था, ऐसे आया था ना, तो वाई का पहला कंपोनेंट कैसे आया था, यस ये W की फर्स्ट रो और X का डॉट राइट, तो इसका मतलब Y1 में W की बाकी रोज का तो कोई रोल था ही नहीं, या था Y1 बनाने में W की सिर्फ पहली रो ने रोल प्ले किया, बाकियों ने तो कोई रोल प्ले ही नहीं किया, और ये स्केलर है बाय द वे, Y1 इज अ स्केलर, यानी इसको ऐसे लिखेंगे यूजिंग ये जो अभी हमने यहाँ पे रूल सेट किया था, स्केलर का मैट्रिक्स से डेरिवेटिव, इसका आंसर होगा कर्ली वाई वन बाय कर्ली डब्ल्यू वन वन, और यहां पर आना था कर्ली वाई वन बाय कर्ली डब्ल्यू टू, ये सेकेंड रो आ गई है टू वन, और फिर थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो, जो फर्स्ट रो वाले आंसर्स थे ना फर्स्ट रो के हिसाब से वो यहां पे आने थे curly y1 by curly w1 2 and so on, curly y1 by curly w1 m, ठीक है, और ये बाकी चलने थे इस तरह, और ये सारे जीरो होने थे, ये सारे के सारे इक्वल टू जीरो होने थे, क्योंकि y1 के बनाने में किसी और रो का हाथ नहीं है, y1 के बनने में सिर्फ w1 w की पहली रो का हाथ था, और y1 के वो वाले डेरिवेटिव्स जो पहली रो पे डिपेंड करते हैं वो ये सिर्फ पहला कॉलम था, ठीक है, और बाय द वे ये जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आंसर ये आएगा कि आपके पास पहले कॉलम में x पड़ा होगा और बाकी सारे का सारा जीरो होगा, ठीक है, और ये था कर्ली वाई वन, बट यानी ये जो पहला हमने रे रखा है सब सामने, ये कर्ली वाई वन बाई डब्ल्यू था, और इसका पहला कॉलम हमने अभी ये बताया है कि इसका पहला कॉलम एक्स है, एक्स वेक्टर, ठीक है, सिमिलरली ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं, ये जो दूसरा रे बनेगा इसमें हर जगह पे जीरो होंगे लेकिन जो दूसरा कॉलम होगा इसका उसमें एक्स पड़ा होगा, और जो आखिरी बनेगा कर्ली वाई के का डेरिवेटिव डब्ल्यू से, उसमें क्योंकि वाई के जो है वो आखिरी रो पे डिपेंड करता है केथ रो पे, और केथ रो के हिसाब से डेरिवेटिव्स इधर केथ कॉलम में होंगे और वहां पे एक्स पड़ा होगा, ठीक है, तो ये एक्स वेक्टर है जो पहले में पहले कॉलम में पड़ा होगा बाकी सारे जीरोस, ठीक है, अगली बारी दूसरे में पड़ा होगा बाकी सारे जीरोस, अरे एंड पे आखिरी वाले पड़ा होगा बाकी सारे जीरोस, ठीक है, यहां तक आप मेरे साथ हैं कि नहीं, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर कोई भी कह दे कि जी हम आपके साथ या मैं आपके साथ,
जी सर नहीं नहीं वो सियासी वाला साथ नहीं क्या क्या आप फॉलो कर रहे हैं इज इट क्लियर कि यहाँ पे एक्स एक्स वाला वेक्टर जो है वो इस तरह मुख्तलिफ कॉलम्स में आ जाएगा इज इट क्लियर जी सर ओके ओके फाइन तो और इसका साइज अब क्या बना है ये जो कर्ली वाई बाई कर्ली डब्ल्यू है इस पूरे का साइज क्या है अब इसके अंदर एक्स पड़े इस तरह के पहली डिमेंशन से शुरू करें सबसे पहली डिमेंशन क्या साइज है पहली डिमेंशन के है ये जो डेप्थ में गए हैं और उसके बाद सेकंड डिमेंशन एम बाई वो एम बाई के है ये एम बाई के वही साइज है जो डब्ल्यू का ट्रांसपोज हम जिस तरह लिख रहे थे ओके सो के टाइम्स एम बाई के डेप्थ में के है और ये वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे ये मैं उसका साइज लिख देता हूँ के बाई एम बाई के अब ये मल्टीप्लीकेशन भी हमने कभी नहीं देखी कि एक रो वेक्टर है ठीक है एक रो वेक्टर है वन बाई के उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे उसमें कोई के एंट्रीज है और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक थ्री डी एरे के साथ ठीक है और उस थ्री डी एरे में जो चीजें पड़ी हैं वो हैं इसके यहां पे एक्स पड़ा है और दूसरे वाले के अगले कॉलम में एक्स पड़ा है यहां पे और आखिरी वाला जो है उसके एंड पे एक्स पड़ा है ठीक है ये मल्टीप्लिकेशन अब होनी कैसे है आम मैट्रिक्स और अगर वेक्टर ऐसे होता था और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन ये कैसे होती थी ये वाली डिमेंशन इसकी फर्स्ट डिमेंशन से मल्टीप्लाई होती थी ऐसा ही है ना फर्स्ट डिमेंशन से मल्टीप्लाई होती थी तो यहां पर भी इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट डिमेंशन से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें के नंबर्स हैं इसकी जो फर्स्ट डिमेंशन है फर्स्ट डिमेंशन इसकी उसमें भी के नंबर्स हैं फर्स्ट डिमेंशन से ऐसे मल्टीप्लाई होगा ये पहले वाली वैल्यू इधर की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी प्लस इधर की दूसरी वैल्यू डेप्थ में दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी विच इज जीरो प्लस तीसरी वैल्यू डेप्थ में तीसरी वैल्यू एंड सो ऑन वो डेप्थ में सारी वैल्यू जीरो पड़ी है सिर्फ ये पहली वैल्यू यहां पे पड़ी थी एक और वो एक्स वन था यानी ये पूरा जो पहला डॉट प्रोडक्ट हुआ है इसका जो आंसर आना है वो जो आंसर आया वो आएगा अगर अगर मैं इसको वेक्टर वी ट्रांसपोज कह दूं क्योंकि ये कॉलम रो वेक्टर है तो इस अगर इसको वी कह दूं तो ये वी वन एंट्री पड़ी थी पहला जो आंसर आएगा वो आएगा वी वन इंटू एक्स वन उसके बाद आप फिर से यही वाला जिस तरह यहां पे करते थे पहले आम मैट्रिक्स वेक्टर में आप पहले कॉलम से करते थे फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे ठीक है तो अब मैंने डेप्थ में इधर मल्टीप्लाई किया अब डेप्थ में अब मैं इस सेकंड वाली जगह पे जाऊंगा और डेप्थ में सारी इन सेकंड वाली जगहों को मल्टीप्लाई करूंगा जहां सारी जगहों पे जीरो पड़ा है सिर्फ ये सेकंड वाले चैनल में एक्स वन पड़ा है क्योंकि ऊपर है सबसे ये तो जो सेकंड वाले चैनल में एक्स वन पड़ा है वो सेकंड वाला तो इस वी टू से मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बी वी टू टाइम्स एक्स वन ठीक है और अगेन ये आप पे छोड़ देता हूं शायद छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि दिस गेट्स कॉम्प्लिकेटेड पर शायद आपने पैटर्न पकड़ लिया हो कि अब मैं तीसरी जगह पे रखूंगा और तीसरी जगह पे जो है वो भी थर्ड चैनल पे उसको एक्स वन नजर आएगा एंड सो ऑन और वो वी थ्री से मल्टीप्लाई होगा लेकिन एक्स वन ही मल्टीप्लाई होगा
इफ आई कीप गोइंग तो वी के जो है वो एक्स वन से ही मल्टीप्लाई होगा और इफ आई कीप गोइंग जो एंड पे आएगा वी अगेन वी वन लेकिन अब एक्स एक्स एम होगा और यहाँ पे वी के और एक्स एम होगा कैपिटल एम. पॉइंट इज कि ये जो पूरी मल्टीप्लीकेशन है इवन दो एक 3D रे आ गया था बीच में पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 1 बाय के को k बाय m बाय k से जो फाइनल आंसर आना है वो m बाय k क्योंकि ये k और k जो है ये कैंसिल हो जाने ठीक है. फाइनल आंसर एक m बाय k का मैट्रिक्स है ठीक है. इसका साइज इज m बाय k या वेरीफाई कर सकते हैं और अगेन ये चीज अब मैं आप पे छोड़ देता हूं कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है m बाय k का यू कैन राइट दिस मैट्रिक्स एज x पहले लिखें और x का साइज है m बाय 1 और v ट्रांसपोज बाद में लिखें. v ट्रांसपोज यही वही वाला वेक्टर है जिसको मैंने v कहा था जो कि एक्चुअली ये वाला है कर्ली l बाय कर्ली y 1 बाय k ठीक है. You can write this matrix, this last matrix, जो जो final result है इस derivative का. Remember हमें ये derivative इसकी तलाश में थे हम. ये जो final result है ये एक m by k matrix आता है जो कि it's so simple to write. ये है final answer. इस तक पहुंचना simple नहीं था but this is the final answer. V का size 1 by k है तो the answer will be m by k और m by k ही हमें आंसर चाहिए था राइट. व्हाट हैव आई शोन सो फार इतनी सारी मेहनत के बाद कि अगर आपके पास कोई लॉस फंक्शन है l स्केलर लेकिन जो आउटपुट फंक्शन है वो y है एज अ वेक्टर है और आपको अगर आपको L का डेरिवेटिव चाहिए लॉस का डेरिवेटिव चाहिए W के हिसाब से तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बीच में Y का डेरिवेटिव W से चाहिए होगा और Y का डेरिवेटिव W से मींस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अ मैट्रिक्स दैट बिकम्स अ 3D अरे या टेंजर जिसे कहते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये लेसन लर्न कर लें कि जो फाइनल आंसर है वो असल में ये था x ट्रांसपोज और जिसको v मैं कह रहा हूँ v असल में क्या था कर्ली l बाय y. ये निकालना हमेशा आसान होता है और ये भी बहुत आसान है. ये x ट्रांसपोज असल में क्या चीज थी नहीं दिस इज नॉट एक्स ट्रांसपोज मैंने गलत दिख दिया दिस इज जस्ट एक्स ठीक है. फाइनल आंसर ये आता है इसके अंदर वेट मैं भूल गया अपनी बात हाँ जिसमें ये तो आप निकाल ही लेंगे और एक्स क्या चीज है एक्स वॉज सिंपली दिस थिंग y equals w x में जो भी चीज w से जिसके हिसाब से आपने डेरिवेटिव निकालना है जो भी चीज w से वेक्टर बाद में मल्टीप्लाई हो रहा था बस आप उसको उठाएं एंड रिजल्ट ये निकला है वो जो भी वेक्टर w से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको उठाएं और पहले लिख दें पहले लिखते रिमेंबर ये हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे थे ठीक है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन जो एंड रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि एक्स को पहले लिख दें आप जो इस डेरिवेटिव के अंदर बार बार एक्स आ रहा था उसको बस पहले लिख दें. तो दैट्स द मैसेज आई वांट यू टू टेक फ्रॉम दिस स्लाइड एंड आई वांट यू टू टेक इट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर कि कोई भी सिचुएशन जहां पे आपको स्केलर लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी मैट्रिक्स के हिसाब से जब चाहिए होता है तो वो असल में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उस प्रोसेस के बाद जो
फाइनल रिजल्ट वो ये है कि वो जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स, उसको पहले लिख दें और लॉस का डेरिवेटिव आउटपुट के हिसाब से वो बाद में लिख दें। ये अगर आप करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट डेरिवेटिव निकल आएगा किसी वेट के हिसाब से।